नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना मध्यश्या और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार हिंदी न्यूज चैनल, जो रखता है राज समाज के हर खबर पर अपनी कड़ी नजर। देश और प्रदेश की खबरों के साथ आपके समाज आसपास की घटनाओं से हम कराते हैं आपको रूबरू। तो आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर। नासा की एक रिपोर्ट बताती है कि विमान के पीछे आसमान में बनने वाली इन सफेद लकीरों को कंट्रोल्स कहते हैं। दरअसल कंट्रोल्स भी एक प्रकार से बादल ही होते हैं, लेकिन ये बादल आम बादलों से अलग होते हैं। ये बादल सिर्फ हवाई जहाज या रॉकेट के गुजरने के बाद ही बनते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस तरह के बादल तभी बनते हैं जब विमान धरती से लगभग 8 किलोमीटर ऊपर और 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में उड़ रहा हो। रॉकेट या हवाई जहाज के एग्जॉस्ट से एरोसॉल्स निकलते हैं और आसमान की नमी इन एरोसॉल्स के साथ जमकर कंट्रोल्स बनाती है। आपने यह भी देखा होगा कि विमान के गुजरने से कुछ देर बाद ही यह लुप्त हो जाते हैं। हवा में मौजूद नमी इनके बनने के कारण होती है। कई बार ऐसा होता है कि आसमान में इतनी ऊंचाई पर तेज हवा की वजह से कंट्रोल्स अपनी जगह से खिसक भी जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो नहीं दिखे जहां से जहाज गुजरा था। सबसे पहले यह कंट्रोल्स 1920 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दिखाई दिए थे। तभी ये दूर से ही सबकी नजरों में आ जाते थे। इनकी मदद से लड़ाकू पायलट पकड़ में आने से भी बच जाते थे। बल्कि इस धुएं के कारण कई विमानों के आपस में टकराने की खबरें भी आती थीं, क्योंकि विमान के पायलट को कुछ नहीं दिख रहा था।